नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद खूबसूरत सा केबल डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, जेंट्स हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, पुलोवर में डालेंगे, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालेंगे, बच्चों के स्वेटर में डालेंगे। ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैं 14 फंदे डाल रही हूँ। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 12, 13 और 14, मैंने 14 फंदे डाले हैं। इसमें 2 डिज़ाइन बनके तैयार होगा। तो डिज़ाइन, तो बॉर्डर बनाने के बाद हम डिज़ाइन का बेस लाइन डालेंगे। तो उसके लिए पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, 3 फंदा सीधा, लास्ट में 3 फंदे बचेंगे। तो उन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बेस रो हो गया। अब हम रॉन्ग साइड से आ जाते हैं और ये डिजाइन का सेकेंड बेस रो है, ये फाउंडेशन रो है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर, 2 फंदा सीधा, और देखिए 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर, 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर, 3 फंदा उल्टा। अब लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारे डिजाइन का ये बेस लाइन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरे रो से हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है। तो डिजाइन का पहला लाइन और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और देखिए 3 फंदे हैं, तो दूसरे फंदे यानी मिडिल फंदे के हम नीचे, देखिए ये हमारा 2 फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, ये 1, ये 2, तो 2 लाइन हम नीचे आएंगे। ये पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, तो 2 लाइन नीचे आएंगे और यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर 3 फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर हम यहीं से एक और लूप निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे हम ढीला कर लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन दूसरी ओर। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, तो मिडिल फंदे के यानी दूसरे वाले फंदे के 2 लाइन नीचे आएंगे, ये 1 हुआ ये 2 हुआ, 2 लाइन नीचे आएंगे और यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर इन 3 सीधे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 3 फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर इसी जगह से हम एक और लूप निकालेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ढीला कर लेंगे और इसे दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 3 लूप, 2 लूप हो गए और 3 फंदे सीधे फंदे।
अब उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट में देखिए दो फंदे सी उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा उनको अपनी ओर। अब देखिए ये हमने लूप लिया था तो इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और ये तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा लूप, इसे भी हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए दो फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर। अब ये लूप है, इसे हमें बुनना नहीं है, इसे हमें स्लिप कर लेना है। फिर ये तीन फंदे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं, सामने से सीधे थे, इन तीन उल्टे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए लूप है, इसे हमें बुनना नहीं है, इसे बिना बुने हमें स्लिप कर लेना है। फिर लास्ट में देखिए तीन फंदे हैं तो दो फंदा सीधा, लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुनें। तो हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। अब देखिए ये हमारा लूप था, इसको ऐसे लेंगे और इसे ऐसे सीधा कर देंगे। अब लूप को और पहले वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और ऐसे बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए ये लूप और फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है, ये पांच फंदे का एक डिज़ाइन, यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है तो दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। अब देखिए ये हमारा लूप है, इसको उठाएंगे और ऐसे घुमा के सीधा कर देंगे। अब लूप को और पहले वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए ये लूप हुआ और ये फंदा, दोनों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, तो हमारे दोनों फंदे घट गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। तो इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, उन दूसरी ओर करना है। यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होता है, दो फंदा सीधा उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिजाइन के चार लाइन कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए तीन सीधे फंदे हैं तो बीच वाले फंदे यानी दूसरे फंदे में हम दो लाइन नीचे आएंगे, ये एक हुआ ये दो हुआ, दो लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। फिर इसी जगह से हम एक और लूप निकालेंगे, थोड़ा सा इसको हम ऐसे ढीला करेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होता है तो दो फंदा उल्टा
दूसरी ओर देखिए, तीन सीधे फंदे हैं तो मिडिल फंदे के दो लाइन नीचे आएंगे, ये एक हुआ ये दो हुआ। यहाँ से हमें एक लूप निकालना है, तो ये लूप निकाला, थोड़ा सा ढीला किया, फिर तीन फंदे सीधे, फिर इसी जगह में हम फिर सिलाई डालेंगे और एक दूसरा लूप निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे, चढ़ा देंगे वापस दाहिनी सिलाई में, फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में, तो पहला फंदा एज स्टिच है इसे हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा, उनको अपनी ओर करेंगे। देखिए ये हमें पांच फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला फंदा लूप है, इसे हमें स्लिप कर लेना है, तीन उल्टे फंदे इन्हें हमें बुन लेना है। फिर देखिए ये लूप है तो इसे वापस हमें स्लिप करना है, उनको दूसरी ओर करना है, यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होता है, तो दो फंदा सीधा, उनको अपनी ओर करेंगे। देखिए लूप को हमें स्लिप कर लेना है, लूप है इसे हमें स्लिप करना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर लूप आ गया तो इसे हमें स्लिप करना है, उनको दूसरी ओर करना है, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर, लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये डिजाइन का तीसरा लाइन है, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब देखिए ये हम लूप को ऐसे उठाएंगे और इसे ऐसे घुमा के सीधा कर देंगे। अब लूप को और पहले वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे लूप है और फंदा है, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, अब उन अपनी ओर करेंगे। देखिए दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। अब इस लूप को उठाएंगे और घुमा के ऐसे सीधा कर, फिर लूप को और पहले वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए दो का एक किया, एक सीधा फंदा हो गया, फिर एक फंदा सीधा, फिर इस लूप को और इस फंदे को दोनों को ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लें, फिर उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। देखिए लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच फंदों का और चार लाइन का हमारा रिपीटेड डिजाइन, ये डिजाइन यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, पांच फंदा और चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। देखिए फ्रेंड्स डिजाइन कितना खूबसूरत है और बनाना भी आसान है, तो इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।